करने लगे हैं कि हमारा जो इम्प्लीमेंट है वो थोड़ा सा डील करेगा कि कीवर्ड से आगे कैसे। मैंने यहाँ पर स्लाइड को रन किया, बेसिकली वो कहता है कि SEO क्या है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और इसे थर्ड जनरेशन ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब SEO की कैसे जाती है, कि ये तो हो गया आगे कॉन्सेप्ट हो गए, उन्होंने कह रहे क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हमने अपनी वर्किंग को जो है वो डील करना है, तो इसे थर्ड जनरेशन ऑफ मार्केटिंग इसलिए कहते हैं कि पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि ब्रोशर बैनर का जमाना था, हम उसके हवाले से वर्किंग किया करते थे। बट SEO इज द मेन, जो इसमें सबसे मेन चीज है वो होता है कि वो कौन सा वर्ड है जिसे बिजनेसमैन मेरे से प्रमोट करवाना चाहता है। नो डाउट हम इसके ऊपर बड़ी अच्छी खासी रिसर्च करेंगे, पूरा एक लेक्चर होगा कि हम कीवर्ड कैसे देखते हैं या कीवर्ड की वैल्यू क्या है या इसकी वर्थ क्या है। लेकिन आज जो वर्किंग है वो ये है कि हम SEO को कीवर्ड पे परफॉर्म करते हैं। SEO को कीवर्ड पे परफॉर्म करते का मतलब ये है कि हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर मैं अगर कोई भी वर्ड गूगल को बताता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ शूज, तो अब शूज में ये एक वर्ड जो है इसे हम कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग, क्यूरी रिक्वेस्ट को कहा जाता है। मैं इस लव्स को लिखने के बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो आपके पास मुख्तलिफ तरह की सर्चेज होती हैं। शू वर्ड के ऊपर या शूज वर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है इमेजेस को। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा कि जो मेरी प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं या जो मेरा ब्रांड है, उस ब्रांड में इमेजेस कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो इसको देखते साथ ही मुझे ये बात समझ आ गई है कि जूता ऑनलाइन में तस्वीर पर ही बिकता है। यही वजह है कि गूगल कहता है कि इमेजेस सबसे पहले है। फिर अगली वर्किंग आपकी प्रोडक्ट है, यानी ब्रांड है, उसके ऊपर वर्किंग होती है। देन आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स वाले, ये देखें ये जूतों के ऊपर SEO कर रहे हैं, ये इसी वजह से ये ऊपर आ रहे हैं, इन्होंने इस शूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, इनका कह लें कि आपका क्या कहते हैं उसको सुपर इमेज, ठीक है ये इनका है। यहाँ पर देखिए तो इनके कैरेसल इमेजेस हैं। अब अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ देखें इन्होंने अपने टेक्स्ट पे फोकस किया है, एंड देन सो ऑन। बट पीपल आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, दैट्स वाई तीसरी प्रायोरिटी, यानी पहली प्रायोरिटी इमेजेस को, दूसरी प्रायोरिटी वेबसाइट्स को, और तीसरी प्रायोरिटी वो क्वेश्चनियर को दे रहा है कि लोगों की जो सवालात है या जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक कैसे वर्किंग है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमारे पास ब्रांड वर्कआउट है वो आ जाता है, एंड देन वी हैव द रिलेटेड सर्चेज। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है सर्चेज में, ये एरिया जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें हैं, ये लफ्ज़ आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वो वर्ड है जो शूज़ के साथ लगाकर आगे प्रमोट हुए हैं, मसलन स्टाइलो शूज़, शूज़ फॉर मैन। हम इन्हें LSI कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जब ऑब्वियसली इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कैसे लेके आना है फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये LSI कीवर्ड्स मैं इन्हीं में से चूज करता हूं। लेकिन अभी एक आपका होता है मेन कीवर्ड जिसे हम अपना सीड कीवर्ड कहते हैं। ऑब्वियसली जूतों का कारोबार है तो मेरी जो वर्किंग होगी, ये जो मेरा इम्प्लीमेंट होगा वो किस हवाले से होगा, वो शूज के हवाले से होगा। अगर इमेजेस की बात होगी तो शूज के इमेजेस की बात होगी, अगर आपके ब्रांड की बात होगी तो वो प्रोडक्ट्स की बात होगी, अगर आपके सवालों की बात होगी तो वो भी जनरल पब्लिक ऑडियंस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। अगर आप इन सवालों को गौर से देखें ना तो कहता है विच कंपनी शू आर बेस्ट, व्हाट आर द ब्रांड्स ऑफ बोर्जन, हाउ टू कॉन्टेक्ट मेट्रो शू पाकिस्तान, हु इज द ऑनर ऑफ मेट्रो शू इन पाकिस्तान,
तो अगर आप गौर से थोड़ा सा सर्च करेंगे ना इसी कीवर्ड के ऊपर, तो मेरे पास मेट्रो की साइट आई थी ऊपर। तो एक्चुअली ये इन्हीं के ही कुछ सवाल हैं जो इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के अंदर बताए हुए हैं, और उनका जवाब यहाँ है। यानी इसका मतलब है कि मेट्रो कंपनी अपने जूतों पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने क्वेश्चंस पर फोकस कर रही है एसईओ के हवाले से। यानी एक कीवर्ड या सीड कीवर्ड जो है ये डिफाइन करता है कि पहले नंबर पे कौन है। और याद होगा आपको इसी कीवर्ड के ऊपर हमारे स्पॉन्सर एड्स भी चलते हैं, बट शूज पे अभी कोई स्पॉन्सर एड नहीं चल रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसी शूज को ठीक है बाटा कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखिए अभी भी बाटा की वेबसाइट आ गई है, बट वी हैजंट हैव एनी, बाटा हैजंट हैव फेस एनी पेड कंपटीशन, आपको कोई नहीं है। दराज वाले टफ टाइम दे रहे हैं बाटा के, फौरन बाद इनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान जो है वो आगे हैं और फोकस कर रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। सो बाटा शूज़ फॉर मैन, बाटा स्टोर शूज पाकिस्तान, ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों को देख देख के ना मैं ये फोकस करता हूँ कि मुझे करना क्या है। बाटा वाले को इतनी अच्छी एसईओ इन्होंने नहीं कराई हुई, यही वजह है कि यहाँ पर जब मैंने सर्च आउट में देखा तो वहाँ पर आपके पास जो वर्किंग है वो और तरह से आ रही है। अब यहाँ मुझे हश पपी वाले नज़र आए थे, ठीक है, यहाँ आप देखें, ठीक है, और ये हमारा एक हश पपी आप कह लें कि प्लेटफॉर्म है जी। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ हश पपीज के साथ देखें तो ये भी कोई इतना इन्होंने भी काम कोई नहीं कराया, ये भी वेब की प्रमोशन ज़्यादा करते हैं और उसी को ही प्रमोट करते हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन लोकेशंस एज वेल। यानी बाटा में जब मैंने सर्च किया था ना तो मैप की ऑप्शंस नहीं आई थी। इसका मतलब है वी हैव टू फोकस ऑन मैप्स फॉर शूज आल्सो। यानी मेरी लोकेशन जो कि इस वक्त अभी आपको नज़र आ रही है सांदा लाहौर, असल में ना अभी आप जब सर्च करेंगे ना ये नहीं आएगा, ये मेरा क्यों आ रहा है इसकी कोई वजह है, ठीक है। तो मेरे पास इसके आने की कुछ कोई और वजह है या कोई और इम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास लोकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू। यानी लोकेशन भी डिफाइन करती है, और लोकेशन में आपका गूगल मैप खुला हुआ है, नीचे आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इनके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी अपनी जो है वर्किंग है, और मोस्टली मेरे नियर अबाउट है, इनके भी क्वेश्चन इन्होंने भी पूछे हैं हश पपी के वाले से, इन्होंने भी कुछ सवाल के जवाब दिए हैं, इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, दे हैव रजिस्टर्ड देयर ब्रांड ऑन विकीपीडिया आल्सो, दे आर वर्किंग ऑन लिंक्डइन आल्सो, दे हैव देयर चैनल्स एट यूट्यूब, तो वीडियो पे भी प्रमोशन कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली चाहे मैं सवालात पर फोकस करूं, चाहे मैं तस्वीरों पे फोकस करूं, चाहे मैं जगह पे फोकस करूं, चाहे मैं सोशल मीडिया पे फोकस करूं, चाहे मैं ब्रांड पे फोकस करूं, ठीक है, जो भी है वो है इसी वर्ड के ऊपर है। एक्चुअली गेम इसी की है। तो जब कोई किसी को कहता है कि मुझे रैंक करो या मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, तो एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग, ही सेइंग कि हमने उसकी ब्रांड को उसके बताए हुए कीवर्ड्स पर प्रमोट करना है। एक कीवर्ड का 4000 पे चार्ज किए जाते हैं, मिनिमम 3 कीवर्ड के बाद एसईओ का रेट दिया जाता है, ठीक हो गया। यानी एक कीवर्ड अगर आपने 3 कीवर्ड कराने हैं तो 12000 पे रेट होता है, अगर 4 कीवर्ड कराएंगे तो उसके मुताबिक भी रेट है। बट याद रखिएगा रेट ऐसे नहीं होता, रेट कंपटीशन वाइज भी होता है। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 के दरमियान, यानी अगर 3-4 कीवर्ड है मैं उसे कहूँगा 10000 ले लूँगा, वैसे मैं 10 नहीं लेता, हम 15 से कम पे बात करते ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये जो कीवर्ड्स है ये कई दफ़ा लोग आपसे निकलवाएंगे, ये निकलवाना भी एक डिजिटल मार्केट सर्विस है। एक चीज़, अब मेरे पास कीवर्ड आ गया, वो कहता है क्या है, आपको लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन बताया था कि एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट कंटेंट इन सर्च इंजन्स फॉर ऑप्टिमाइज्ड सर्च रिजल्ट्स एंड बेटर रैंकिंग। यानी आप बेटर रिजल्ट्स और बेटर रैंकिंग जो है वो देख सकते हैं।